इस शक्ति को पहचानिए, हमारा दिल का दर्द है। हम 15 साल से ओबीसी महिला आता है, एक बार भी माली को नहीं दिया जाता है और हम बैठे बैठे देखते रह जाते हैं। अरे हम वोट क्यों देते हैं ये सोचिए, हम 70% वोट आपको देते हैं तो भी हमारा कोई बोलने वाला नहीं है। हम कहाँ जाएं, हमारे पास MLA नहीं, हमारे पास MP नहीं। आपकी सरकार बनती है, 25 MLA आप देते हो, फिर भी एक भी हमें नहीं देते हो, हम कहाँ जाए। हमें 5 MLA देते हो। अरे 150 विधानसभाओं में आपके समाज के लोग विराजते हैं, हमें दुख होता है। आपके 5 टिकट देखे हमें दूर कर देते हो, वो कोई बात नहीं, उसके मामले में दोबारा बात करेंगे। लेकिन जयपुर महापौर के मामले में आपको कहना चाहता हूँ, आप हमारी विनती है, हमारी आवाज़ सुनिए। धन्यवाद। अब मैं आपके सामने माननीय भूपेंद्र जी को बुलाना चाहता हूँ, वो अपनी बात कहेंगे। हमारे युवा नेता यूथ बोर्ड का सावित्रीबाई फुले बीच में उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM राजस्थान में आए, इनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करा, अभिनंदन करें। मित्रों, कार्यक्रम में हमारे समाज के सभी नेता सम्मानित, इनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करा, अभिनंदन करें। और दूर दूर से आए मेरे समाज के अग्रज पिता तुल बुजुर्ग नौजवान साथी और माता बहनों, इनका भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, अभी भाई मनोज जी ने कहा उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। CM साहब, यह वो लोग बैठे हैं जो राजस्थान में निर्णय 120 सीट को रखते हैं। 120 सीट जहां माड़ी समाज चाहेगा वो जीतेगा, और माड़ी समाज चाहेगा उसकी जमाने जब्त कराएगा। हमारे समाज की दोनों ही पार्टियों ने अनदेखी कर रखी है, अब यह चलने वाला महात्मा जी की प्रतिमा लगे, ये हम चाहते हैं, आपसे आश्वस्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज तक इतिहासकारों ने ये छुपाया गया, 52 लोगों को भारत रत्न मिला, और देश की प्रथम शिक्षिका जिनकी वजह से आज दलित पिछड़े उपेक्षित जाने कितने ही बहने IPS IAS बनी है, उनको भारत रत्न नहीं दिया गया है। ये पिछली सरकारों ने गुनाह किए, इस गुनाह को माफ नहीं करेंगे मित्रों। और आपके नेतृत्व में चाहते हैं, आपके नेतृत्व में चाहते हैं कि माँ सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न मिले, नई लोकसभा में प्रतिभा लगे, 12% आरक्षण मिले। आप यहां पधारे, हमारे आग्रह पर, निवेदन पर, विनती पर, आपके जैसा नेता पूरे हिंदुस्तान में OBC के बड़े चेहरा के रूप में उभर रहा है। मैं चाहता हूं करोड़ों जनता आपके साथ खड़ी है, आप खड़े हो जाओ, करोड़ों जनता समाज, सब समाज आपके साथ खड़ा है। दोनों हाथ उठाकर मौर्य जी का स्वागत करो भैया, दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी से आता